हेलो फ्रेंड्स, आई एम गीतांजलि शर्मा और आज हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर के बारे में बात कर रहे हैं। यस, आज हम बात करेंगे ब्लैक कलर के बारे में। बहुत से लोग यू नो दे लव टू वियर ब्लैक, बट क्या आप जानते हैं कि ब्लैक कलर के साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज भी होती हैं? आइए डिस्कस करते हैं। यू नो ब्लैक कलर सिम्बोलाइजेस विद प्रोटेक्शन, सोफिस्टिकेशन, प्रेस्टीज, इट गिव्स यू अथॉरिटी। दोज पीपल हु लव टू वियर ब्लैक, इट गिव्स सिक्योरिटी टू देम। हम लोग जब भी ब्लैक डालते हैं तो एक नेगेटिविटी जो होती है हमारे चारों तरफ, हम उसके उससे हम प्रोटेक्ट होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ब्लैक कलर डाला देन वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी अराउंड अस। ब्लैक कलर एक बहुत ही सेंसुअल कलर भी माना जाता है। ब्लैक कलर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कलर होता है, इसके अंदर एक एलिगेंस देखने को मिलता है। अगर आप कभी भी पार्टीज में ब्लैक कलर डालेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि ब्लैक कलर डालने वाले बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर नहीं होते हैं। They don't wear this black color just to impress others, but they wear this black color just to, you know, look good for themselves. उन्हें ये इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। ब्लैक कलर प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है। तो जो इंसान प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ अपना प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो दोज पीपल कैन वियर दिस ब्लैक कलर। ब्लैक कलर एक वर्सटाइल कलर होता है और ब्लैक कलर जो होता है सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसके अंदर कुछ हिडन मिस्ट्रीज भी होती हैं। आप जानते हैं जो लोग थोड़े से देखने में हेल्दी होते हैं या जिनको लगता है कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो लोग ब्लैक ड्रेसेस पहनते हैं फॉर पार्टीज तो वो थोड़ा स्लिम भी नज़र आते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। उसी तरह से ब्लैक कलर जो लोग डालना पसंद करते हैं, दोज पीपल हु लव टू वियर ब्लैक, दे आर द पीपल हु आर वेरी सीक्रेटिव। ऐसे लोग मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम सम हिडन इमोशनल इशूज ऑल्सो, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। ऐसे लोग दूसरों का इंटरफेरेंस जो है दे डोंट लाइक एनी वेज कि भी उनका कोई लाइफ में इंटरफेयर करे या उनको कोई ये कहे कि जस्ट डू दिस और डोंट डू दिस, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते। उन्हें वही करना होता है जो उन्हें अच्छा लगता है। उनका एक अपना स्पेस होता है, अपना एक दायरा होता है लाइफ में। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अंदर से कई बार अकेले भी होते हैं, सैड भी होते हैं, बहुत जल्दी पेसिमिज्म भी उनके लाइफ में देखने को मिलता है, तो उनको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी भी अगर आपको ब्लैक कलर डालना मन करता भी है तो आप इस कलर को कोशिश करें कि प्रोफेशनली जब आप ग्रो करना चाहें या आप जब आप अपने मीटिंग्स में जा रहे हैं या आप ऑफिस के काम से जा रहे हैं, देन जस्ट यू ओनली वियर दिस ब्लैक कलर, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड दिस कलर। बहुत ज़्यादा ना डालें। यस, आई नो कि बहुत से लोग ब्लैक कलर डालना पसंद करते हैं, बट यू कैन जज, आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंदर से अकेले भी होते हैं, जो आपको समझ में शायद नहीं आता, बट यू कैन जज इट। सो आप ब्लैक कलर डालें बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट येस, दिस कलर ऑल्सो एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी ऑल्सो, लाइक एविल्स जो होते हैं, हम जानते ही हैं कि तंत्र मंत्र के साथ भी काला जो रंग होता है वो एसोसिएटेड होता है। तो कहीं ना कहीं अननोन जो है वो भी हम देख सकते हैं इस कलर के साथ एसोसिएटेड है। तो आप इस कलर को डेफिनेटली डाल सकते हैं व्हेन यू थिंक जस्ट कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम नेगेटिविटी। सो इफ़ यू वियर दिस ब्लैक क्रिस्टल्स और इफ़ यू वियर ब्लैक कोई भी, आप जैसे हम कई बार हम ब्लैक धागा भी बांध लेते हैं अपने हाथों पे या पैरों पे, यू कैन वियर दैट ऑल्सो। दिस विल यू नो गिव शील्ड अगेंस्ट दिस नेगेटिविटी अराउंड यू। सो आप ब्लैक डाल सकते हैं बट इन नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लैक कलर और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नए कलर के साथ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।